संसार की संस्कृति है साहब, मुझे क्षमा करेंगे कहते हो। एक संस्कृति है जो सत्ता के लिए अपने पिता को बंद कर देती है और आधी मटकी पानी और एक रकाबी शोरा और दो चपातियां देती है, जिसे औरंगजेब कहा जाता है। जब उसने शाहजहां को बंद करा तो शाहजहां शायर था फारसी का, उसने अपनी बेटी जहां आरा से कहा कि अपने भाई से कहो गर्मी बहुत हो रही है, ये मटकी थोड़ी आधी टूटी हुई है, अगर पूरी मटकी पानी दे दिया करे तो जरा मेरे दिन ठीक गुजर जाएंगे। जहां आरा ने कहा कि भैया अब्बा हुजूर चाहते हैं कि मटकी में पानी ज्यादा हो। झुंझलाए हुए औरंगजेब ने कहा उनसे कहो तमीज में रहें, मैं जिंदा छोड़े हुए हूं, ये बड़ी बात है, जितना पानी मिल रहा है पी लें। एक चिट्ठी फारसी में एक रुबाई लिखकर भेजी शाहजहां ने अपने बेटे को, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, बापिदरे आप जिंदा तरसानी। हिंदी में बता देता हूं, आप अपनी संस्कृति पर गदगद हो जाएंगे, जय घोष गूंजेगा यहां। लिखा बेटा तू और मैं अजब प्रकार के इस्लाम मानने वाले आए, जो इस देश में तो आए लेकिन इस देश को ना समझ पाए, एक तू है जिंदा आप तरसानी। पिसर माने बेटे, ए बेटे तू अजब मुसलमानी बबिंदा आप तरसानी, जो अपने जिंदा पिता को पानी के लिए तरसा रहा है। और एक ये भारतीय हैं जिन पर हम राज्य करते हैं, ये अपने दिवंगत पूर्वजों को भी महीने भर पानी पिलाते हैं श्राद्ध में, हम दोनों में। ये संस्कृतियों का विभेद है, ये वैचारिकी का विभेद है। सत्ताओं से देश नहीं बनते, संस्कृतियों के पुनर्निरीक्षण से, उनके रक्षण से देश बनते हैं। लोग पूछते हैं ना कि इन मठों मंदिरों इन कथावाचकों का क्या योगदान है। नेता अक्सर पूछते हैं कि यहां बैठे कई नेता, बुरा ना मान जाए कि साहब इनका क्या योगदान है। तुम ईंट मिट्टी से, संविधान की मान्यताओं से, नियमों से, कानूनों से किसी राष्ट्र का शरीर बना सकते हो, लेकिन उस राष्ट्र की सात्विक आत्मा का निर्माण तो साधु करता है, संत करता है, मठ करता है, तीर्थ करता है। इस श्लोक को मैंने आज से 5-6 वर्ष पहले रात्रि में 3 बजे पढ़ा तो आपकी भाभी जाग गई। वो सुबह उठती हैं 5 बजे पूजा करने के लिए, उन्होंने मुझसे कहा क्या हो गया। उन्हें लगा मुझको कोई समस्या हो गई, क्योंकि मैं हिचकियों से रो रहा था। मैं वाल्मीकि रामायण बंद करता था, फिर रोता था, फिर रोता था, फिर पढ़ता था। मैंने कहा कुछ नहीं, तुम सो जाओ, सुबह समझाऊंगा। राज्याभिषेक राम जी का हो गया, भरत लाल जी सबको धन्यवाद दे रहे हैं कि 14 वर्ष आपने मेरी बड़ी सहायता की, सेनापति को धन्यवाद दे रहे हैं, शत्रुघ्न को धन्यवाद दे रहे हैं कि बेटा तू छोटा है पर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तू ही मेरे पास रहा। गुरु वशिष्ठ को चरण छू रहे हैं, माओ के पैर छू रहे हैं, कैकेयी के पास पहुंचे तो ठिठके तो राम जी ने आंख तरेरी के सबसे पहले यहां लेट, वहां लेटे हैं। अब एक दृश्य आता है, आप भी रो पड़ेंगे बागेश्वर वालों। एक दृश्य आता है जहां वे माता सीता के सामने पहुंचते हैं। अब जटाओं से लिपटा हुआ शीश है और भारतेश्वरी माता सीता बैठी हुई हैं। उनके चरणों में भरतलाल अपना माथा रख देते हैं। कवि लिखता है, महाकवि लिखता है, कवियों का कवि लिखता है, जिसकी आदि कविता में वाणी कल्याणी ने प्रवाह पाया, जिसके कारण मुझ जैसा सामान्य शठ मूर्ख एक सामान्य गृहस्थ अपनी बात कहने के योग्य हुआ इन लाखों हजारों लोगों में। वो मेरा बाबा मेरा भगवान लिखता है कि इस सिर ने पैर को और पैर ने सिर को, दोनों ने एक दूसरे को धन्य किया। लंकेश्वर प्रणति भंग दृढ़ व्रतम तद्वन दम युगम। और अंत में लिखता अन्योन्य पावन मभूत भूव समेत, दोनों ने एक दूसरे को पावन किया। तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि अगर देवर ने अपनी भाभी के चरणों में शीश रखा तो ये कोई नई बात नहीं है, भाभी तो मां होती है, इसलिए ये शीश धन्य हुआ तो ठीक है, क्योंकि ये चरण कोई सामान्य चरण नहीं है, ये चरण वो हैं जो कालांतर में भारत का आचरण बन गए हैं, ये सीता के चरण हैं। ये चरण सामान्य चरण नहीं है, ये मिथिलेश नंदिनी के वो चरण हैं कि जिनके चरणों में जब वो अपने बाग में चलती थी तो नव पल्लव और कोपल बिछाई जाती थी, ये वो दृष्टि है जिसके सुबह प्रातःकाल जगने पर अयोध्या में 7 पर्दों का गवाक्ष खोला जाता था ताकि भगवान भुवन भास्कर इन पलकों पर प्रणाम की पहली किरण धीमे से रख सकें, ये वो चरण है। इसलिए भरत का सिर धन्य है,
कि उसने इन पवित्र चरणों में अपना सिर धरा। लेकिन यह सिर भी छोटा मोटा सिर नहीं है, यह सिर वो सिर है जिस पर त्रैलोक्य का राजमुकुट रखा जाना था, और उसने राजमुकुट उतारकर अपने भाई की चरण पादुकाएं अपने सिर पर रख ली थी। वो सिर है। यह भरत आपके घर में है तो रामायण है, और सूच्यक्रम नहीं वदास्यामी बिना युद्धे न केशवः कहने वाला दुर्योधन आपके घर में है तो महाभारत कोई टाल ही नहीं सकता है। सरस्वती से देवता कहते हैं कि आप ही के बुंदेलखंड में चित्रकूट में मनाने पहुंच गए हैं भरतलाल जी, राम वापस ना चल दें। सरस्वती से कहते हैं भरत की बुद्धि फेर दो जैसे मंत्रा की भेजी थी। सरस्वती कहती है क्या मजाक की बात करते हो, भरत की बुद्धि फेर दो, किसी की भी फेर दूंगी, इसकी फेर दो। मोसन कहत भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरू। हजार आंखें होने के बाद भी जिसे सुमेरू ना सूझते हो, ऐसी मूर्खता की बात करते हैं। वह भरत प्रतिमा नाटकम एक बहुत सुंदर महाकवि भास की रचना है, कभी पढ़िएगा। उसमें राज्य छिन जाने के बाद नाराज लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आप किस बात के अधर्म के विरोधी हो, किस बात के धर्म के प्रतिपालक को, आपके तो घर में ही अधर्म हो रहा है, आपका भाग्य छीना जा रहा है, ये कंधे पे धनुष लटकाए क्यों घूम रहे हो, परशुराम जी का दिया हुआ शारंग उठाते क्यों नहीं हो इसे। कितनी अच्छी बात कहते हैं भगवान, कहते हैं किम दोषुणेश रुचिर रुचिर हे प्रिय भरत, लक्ष्मण मैं किसको मारूं और मारकर किसे पातक लूं, अपने उस पिता को जो रघुवंश की लज्जा निभा रहा है कि जो वचन दे दिया वो पूरा किया जाएगा, अपनी उस मां को जो केवल स्त्री धन के रूप में लिए गए अपने वादों को पूरा कराने के लिए वरदान मांग रही है, और तीसरी बात महत्वपूर्ण है भगवान कहते हैं या अपने उस छोटे भाई भरत को पाप जिसके व्यक्तित्व की सीमा के बाहर खड़ा होकर अपराधी की तरह प्रतीक्षा करता है कि भरत चले जाए तो यहां घटित हूं, मैं उस भरत को मारूं। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत अब तुम राजा बना दिए गए हो, अब तुम राज्य संभाल लो, 14 वर्ष बाद अगर इच्छा है तो तुम दे देना राम को। आपको पता होगा हम प्रसाद लेते हैं, आज हमने गौशाला में प्रसाद लिया, हमने और भैया ने और सारे संगीत के साथियों ने। प्रसाद कौन सा था, पहले उस प्रसाद का भोग लगा फिर हमने प्रसाद लिया। भगवान को अमनिया भोग लगता है जो किसी और ने ना खाया हो। यह कहा भरत जी ने कि अगर जो राज्य मैंने भोग लिया और उसके बाद मैं राम जी को दूंगा तो यह प्रसाद नहीं हुआ, इस भोग के एकमात्र अधिकारी तो, इस राज्य के भोग के एकमात्र अधिकारी तो राम जी हैं। सबसे पहले प्रसाद वही ग्रहण करेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो मैं स्वीकार करूंगा, इसलिए मैं राज्य को नहीं लेना चाहता। जिस दिन राम जी को वापस बुलाने के लिए भरतलाल गए हैं तो रात्रि में भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम किया उन्होंने, और सुबह जब चलने लगे तो चेहरे पे उदासी थी। तो भरद्वाज जी ने कहा कि राजन आपके मुखमंडल पर उदासी शोभा नहीं देती, आप किस लिए कष्ट में हो। भरतलाल जी ने कहा कि महर्षि मुझे यह पता नहीं है कि भैया मुझसे नाराज हैं कि मुझसे प्रसन्न हैं, मुझे यह पता नहीं है कि मैं पहुंचूंगा तो भैया दोनों हाथों से मेरा स्वागत करेंगे या मेरा तिरस्कार करेंगे, क्योंकि मुझसे अपराध बहुत बड़ा हुआ है और बागेश्वर धाम वालों दुनिया में अकेले भरत हैं जो उस अपराध की सजा पा रहे हैं जो उन्होंने किया भी नहीं है। भरद्वाज जी ने कहा मुझे ये तो पता नहीं भाई तुम सांसारिक लोग हो, तुम भाइयों का प्रेम क्या है, पर मैं इतना जानता हूं कि राम जब सुबह यहां से गए थे और पुरोहित को मैंने बुलाया था कि गंगा पार करनी है अब पूजा अर्चना कर दो, तो भगवान ने हाथ में अक्षत ले रखा था और थाली ले रखी थी, जब तक पूजा अर्चना हो रही थी बड़े प्रसन्न मुख थे, जैसे ही पुरोहित के मुंह से निकला जम्बूद्वीपे भरत खंडे, भरत सुनते ही थाली हाथ से छूट गई और पृथ्वी पर रोने लगे, कहने लगे हाय भरत हाय भरत, इसलिए मुझे पता नहीं कि प्रेम है कि नहीं है। जब मिलने पहुंचे भरत तो पैर कीचड़ में सने हुए भाग रहे हैं,
कई बार होता है, अयोध्या जी जाओ, ब्रज में जाओ तो मैं तो चप्पल नहीं पहनता हूं। तो जब तक किसी से मिलने के लिए पहुंचो, किसी आश्रम में पहुंचो, किसी साधु संत से मिलो, नीचे से सारी धोती गंदी हो जाती है। ड्रेस वाले कहते हैं सर वैनिटी वैन में आ जाओ, थोड़ा कपड़े बदल लो। अबे मैंने कहा मूर्ख हो, इस रज में भगवान लोटा है और इससे बचने की कोशिश कर रहे हो, उसे तो सिर पे लगाओ, कहां पागल है। नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ में लिसे हुए भी थे। नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए। भरत और राम मिलने की प्रतीक्षा में आमने सामने 10 मीटर की दूरी। कवि कहता है कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कंकड़ भी थे कुछ छुपे हुए। वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा। वह व्याकुलता थी मिलने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा। मही पर तरकश के साथ वहीं, मुनियों वाला वह चीर गिरा। बावरा चाहता था पहले रघुबर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते थे पहले छाती से इसे लगा लूं। रघुवीर चाहते थे छाती से पहले इसे लगा लूं मैं। आखिर रघुबर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको। वह चरण छुए इससे पहले छाती से लगा लिया उसको। यह हृदय हृदय का मिलन हुआ, जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ। सबने देखा अब सबने देखा, चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ।